स्वागत करता हूँ हमारे 7.9 यूट्यूब चैनल में। आज के इस हम लेक्चर में माइक्रो प्रोसेसर के एमसीक्यू की बात करेंगे। यहाँ आज हम कम से कम 50 एमसीक्यू की बात करेंगे माइक्रो प्रोसेसर के, जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि किसी भी कंप्यूटेशन एग्जामिनेशन में आपको फ़ायदा कर सकता है। ठीक है, अगर आप किसी भी कंप्यूटर साइंस के कंप्यूटेशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे इसरो हो, चाहे NTRO हो, चाहे DRDO हो, चाहे गेट हो, किसी में भी आ सकता है। चलिए हम देखते हैं बिना देर करते कुछ क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर कंप्राइजेज, कहता है माइक्रो प्रोसेसर में क्या क्या कंप्राइज, यानी क्या क्या कंसिस्ट करता है। तो आपको पता होगा सबसे पहले तीन चीज़ें होती है, रजिस्टर्स होते हैं, ALU होता है, और एक होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, यानी टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट जो किसको कहते हैं। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आंसर उसका हो जाएगा, क्योंकि रजिस्टर सेक्शन तो होता ही है, और एक से ज़्यादा ALU हो सकता है, और कंट्रोल यूनिट दैट इज टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज स्टोर्ड बाय रजिस्टर, रजिस्टर के द्वारा क्या स्टोर किया जाता है। रजिस्टर यानी क्या रखता है, रजिस्टर डेटा रखता है। क्या रखता है, रजिस्टर डेटा रखता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। थ्री में देखते हैं, एक्यूमुलेटर बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर एग्जाम्पल्स आर, कहता है एक्यूमुलेटर बेस्ड जो है माइक्रो प्रोसेसर कौन कौन से हैं, यानी एक्यूमुलेटर किस में होता है। 8085 में सिंपल सी बात है, एक्यूमुलेटर होता है। ठीक है, मेट्रोला 6809 ये भी होता है, क्योंकि ये सब सारे के सारे क्या कहते हैं एक्यूमुलेटर बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर है, तो दोनों बहुत ए एंड बी हो जाएगा, सी ए एंड बी। ठीक है, थ्री का सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चार नंबर का क्वेश्चन, अ सेट ऑफ रजिस्टर्स कंटेंट्स आर, कहता है सेट ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर का जो सेट होता है वो क्या कंटेन करता है। डेटा तो कंटेन करता ही, मैंने अभी आपको तुरंत बताया है। मेमोरी एड्रेस ये भी कंटेन करता है, रिजल्ट भी कंटेन करता है, इसलिए इसका आंसर रहेगा डी ऑल ऑफ दिस। रजिस्टर्स जो होते हैं डेटा भी कंटेन करता है, फिर उसका रिजल्ट भी कंटेन करता है, फिर उसका मेमोरी एड्रेस भी कंटेन करता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइव नंबर में क्वेश्चन आ रहा है, देयर आर प्राइमरली टू टाइप्स ऑफ रजिस्टर, दो टाइप के रजिस्टर्स होते हैं जनरली, तो जनरल पर्पज रजिस्टर्स होते हैं GPRS और उसके बाद डेडिकेटेड रजिस्टर, तो इसलिए इसका आंसर सी एंड बी। ठीक है, दोनों ही टाइप के रजिस्टर्स होते हैं, प्राइमरली दो टाइप के रजिस्टर्स होते हैं, और भी टाइप के स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स भी होते हैं, वो सब भी होते हैं, लेकिन वो डेडिकेटेड में आ जाते हैं। ठीक है, जो कि स्पेशली किसी को दिए गए होते हैं, दो टाइप के मेन लिस्ट को डिवाइड किया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन सिक्स नंबर में देखते हैं, नेम ऑफ फिजिकल डेडिकेट रजिस्टर इज, तो अब बताना है आपको नेम ऑफ फिजिकल डेडिकेट रजिस्टर इज, फिजिकल डेडिकेट रजिस्टर क्या है। तो इसमें से PC प्रोग्राम काउंटर, यस ये भी स्पेशल पर्पज को ही डेडिकेट कहते हैं। ठीक है, तो ये भी है, स्टैक पॉइंटर IR तीनों ही है। ठीक है, इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। ठीक है, डी। BCD स्टैंड फॉर, मैंने आपको बहुत बार बताया, BCD स्टैंड फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, तो आप टिक लगा लेंगे ए, सेवन का ए। एट नंबर में देखते हैं क्वेश्चन क्या है, विच इज यूज टू स्टोर क्रिटिकल पीसेस ऑफ डेटा ड्यूरिंग सब रूटीन्स एंड इंटरप्ट्स। ठीक है, विच इज यूज टू स्टोर क्रिटिकल पीस ऑफ डेटा, इसमें से कौन सा ऐसा जो कि क्रिटिकल पीस ऑफ डेटा ड्यूरिंग सब रूटीन्स एंड इंटरप्ट्स स्टोर करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टैक। स्टैक जो होता है सब रूटीन्स और इंटरप्ट्स के जो क्रिटिकल्स के डेटा होते हैं, पीसेज जो होते हैं, उसको स्टोर करता है। ठीक है, स्टैक, ध्यान रखेंगे एट का ये स्टैक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नाइन नंबर में देखते हैं क्या, द डेटा इन द स्टैक इज कॉल्ड, स्टैक में जो डेटा है उसको क्या कहते हैं, पुशिंग डेटा कहते हैं। ठीक है, स्टैक में जो डेटा को पुश किया जाता है, पुशिंग डेटा, तो ये हो जाएगा। टेन नंबर में देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, द एक्सटर्नल सिस्टम बस आर्किटेक्चर इज क्रिएटेड यूजिंग फ्रॉम आर्किटेक्चर, कहता है द एक्सटर्नल सिस्टम आर्किटेक्चर, और एक्सटर्नल सिस्टम आर्किटेक्चर जो इज क्रिएटेड यूजिंग फ्रॉम आर्किटेक्चर, एक्सटर्नल सिस्टम बस आर्किटेक्चर किसके द्वारा बनाया गया था, पास्कल के द्वारा नहीं, डेनिस रिची नहीं, डेनिस रिची सी लैंग्वेज बनाया था, चार्ल्स बैबेज फादर ऑफ कंप्यूटर, वॉन न्यूमैन जो है जिन्होंने एक्सटर्नल सिस्टम बनाया था, वॉन न्यूमैन। ठीक है, ध्यान रखेंगे वॉन न्यूमैन, टेन का हो जाएगा डी। ठीक है, वॉन न्यूमैन। चलिए अगले पेज की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पे क्या है, द प्रोसेसर 8032386 80486 द पेंटियम प्रोसेसर यूजेज बिट्स, कहता है कि 80386 यानी पेंटियम प्रोसेसर जो है कितने बिट्स का एड्रेस रखता था, तो 32 बिट। ठीक है, 32 बिट एड्रेस रखता था, और अगर कोर की बात करें तो कोर 64 बिट करता है। ठीक है, कोर जो है 64 बिट, और अगर हम सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर जो इंटेल 404 आया था, पहला माइक्रो प्रोसेसर, वो जो है 4 बिट रखता था, और उसके बाद जो 8085 आया वो 8 बिट, उसके बाद जो 8086 आया उसमें 16 बिट। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सबसे पहला 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, इस तरह से आया। ठीक है, तो ज़्यादा पूछा जाता है 8085 का। ठीक है, 8085 का तो याद रखेंगे 8085 पे 8 बिट। ठीक है, 8085 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, और ये अभी 80386 80486 ये क्या होगा, 32 बिट। अगले क्वेश्चन में, विच इज नॉट द कंट्रोल बस सिग्नल, इसमें से कौन सा कंट्रोल बस सिग्नल नहीं है, तो सिंपल सी बात है बस सिग्नल रीड और राइट कर सकता है, रिसेट तो नहीं होता, रिसेट कंट्रोल बस सिग्नल नहीं है। ठीक है, तो टू का सी हो गया। उसके बाद है एक क्वेश्चन है, थ्री पीरोम, ये बहुत बार पूछा जाता है, पीरोम का क्या कहते हैं फुल फॉर्म, यानी क्या स्टैंड करता है, तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है,
प्रोग्राम रीडेबल ए हो जाएगा। इसी तरह से ई पी रोम का पूछ लेता है, तो इरेजेबल प्रोग्रामर रीडेबल मेमोरी, ठीक है, इसके बाद वही क्वेश्चन होगा। ई पी रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामर रीडेबल मेमोरी ए हो जाएगा, ठीक है। ये सब ध्यान रखेंगे आप, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन आते हैं बहुत हैं, ठीक है। मैं देखिए, मैं पहले बता दिया हूँ कि मैं वही सब क्वेश्चनों की बात ज़्यादा करता हूँ, मैं उस पर ज़्यादा जोर देता हूँ जो क्वेश्चन आए हुए होते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से तैयारी करवा रहा हूँ, तो हर वो क्वेश्चन पे फोकस कर रहा होता हूँ जो जिसके आने की संभावना है और जो आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे क्वेश्चनों पे और अच्छे से देखेंगे, ताकि बाद में ये ना पछताना ना पड़े कि बाद में क्वेश्चन आ गया, आपने देखा हुआ क्वेश्चन, हो सकता है आप कन्फ्यूज कर जाएं वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए आप कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, अच्छे से देखेंगे। तो 5 नंबर देखते हैं, विच इज टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर मेमोरी, इसमें से कौन सा जो है माइक्रो कंप्यूटर मेमोरी है, इसमें से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर मेमोरी है यानी क्या क्या कंटेंट करता है। तो उसमें बस एड्रेस और कंटेंट्स दोनों ही माइक्रो कंप्यूटर यानी माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो कंट्रोलर आप समझ सकते हैं कि एड्रेस कंटेंट्स दोनों रखता है, ठीक है। तो बहुत एंड बी सी। सेकेंडरी मेमोरी क्या स्टोर, सेकेंडरी मेमोरी क्या क्या स्टोर कर सकता है, तो प्रोग्राम स्टोर कोड, प्रोग्राम तो रख सकता है, कंपाइलर रख सकता है, अपन स्टोर सभी चीज़ रख सकता है, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी ऑल ऑफ दिस स्टोर कर सकता है। 7 नंबर देखते हैं, सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड, सेकेंडरी मेमोरी को एक्सोरेटिव भी कहते हैं, बैकअप स्टोर भी कहते हैं, बहुत एंड बी। कस्टमाइज रोम आर ऑल्सो कॉल्ड, कस्टमाइज रोम जो मास्क रोम कहलाता है, क्या कहलाता है, कस्टमाइज रोम को मास्क रोम कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कस्टमाइज रोम क्या कहलाता है, मास्क रोम कहलाता है। 9 नंबर ऑफ द रैम विच इज क्रिएटेड यूजिंग बाइपोलर ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड, ये क्वेश्चन मैंने हार्डवेयर का जब लेक्चर पढ़ा तो उस दिन बताया था, जो बाइपोलर ट्रांजिस्टर से बनता है उसको स्टैटिक रैम कहते हैं, और जो कैपेसिटर जो इसमें यूज होता है उसको हम डायनेमिक रैम कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ट्रांजिस्टर से स्टैटिक रैम, तो 9 का बी हो गया। चलिए 10 नंबर में देखते हैं, इच मेमोरी लोकेशन हैज, इच मेमोरी लोकेशन के पास एड्रेस होता है, कंटेंट्स होता है, बहुत एंड बी 10 का, ठीक है, तो सी हो जाएगा। चलिए अगले पेज की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, विच टाइप ऑफ रैम नीड्स रेगुलर एफर्ट, कहता है कि इसमें से कौन सा रैम है जो कि रेगुलर रिफ्रेश किया जाता है, तो डायनेमिक रैम, ये बात मैंने बार बार बोली हुई है कि डायनेमिक रैम होगी, ठीक है, क्योंकि इसको रेगुलरली रिफ्रेश किया जाता है और ये स्टैटिक रैम के मुकाबले स्लो होता है, ठीक है, ध्यान रखें, स्टैटिक पूछा जाए दोनों में से फास्ट कौन आता है, तो स्टैटिक रैम ज़्यादा फास्ट होता है, डायनेमिक रैम थोड़ा सा स्लो होता है, स्टैटिक रैम के वाला, और यहाँ पे कैपेसिटर यूज किया जाता है, यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। चलिए 2 नंबर, विच रैम इज क्रिएटेड यूजिंग एमओएस ट्रांजिस्टर्स, इसमें से कौन सा रैम है जो कि एमओएस ट्रांजिस्टर यूज करता है, तो एमओएस ट्रांजिस्टर, तो डायनेमिक रैम, ठीक है, एमओएस की बात करें ट्रांजिस्टर की, डायनेमिक रैम, और बाइपोलर ट्रांजिस्टर की बात करें तो स्टैटिक रैम, ठीक है, बाइपोलर ट्रांजिस्टर की स्टैटिक रैम, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 3 नंबर में, अ माइक्रो प्रोसेसर रिटायर्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम, माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन जो है रिटायर्स करता है इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी, ठीक है, मेन मेमोरी से जो है माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन को रिटायर कर देता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द लोअर रेड कर्वी एराव एरो सो दैट सीपीयू प्लेस द एड्रेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन ऑन द, ठीक है, तो लोअर रेड कर्वी एरो जो शो करता है द सीपीयू प्लेसेस द एड्रेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन ऑन द एड्रेस बस, ठीक है, एड्रेस बस पे जो है मेमोरी लोकेशन जो है एड्रेस एक्सट्रैक्टेड करता है, ठीक है, एड्रेस बस से। तो यहाँ पूछना चाह रहा है कि किस बस से जो है क्या कहते हैं एड्रेस एक्सट्रैक्टेड होता है, तो एड्रेस बस से ही एड्रेस एक्सट्रैक्टेड होता है, ठीक है, कहाँ से, तो मेमोरी से एक्सट्रैक्टेड होता है। चलिए अगला देखते हैं, 5 नंबर में, द सी पी यू सेंड्स आउट अ सिग्नल टू इंडिकेट द वैलिड डाटा इज अवेलेबल ऑन द डेटा बस, सी पी यू जो सेंड्स करता है सिग्नल, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, सिग्नल टू इंडिकेट दैट द वैलिड डाटा इज अवेलेबल ऑन द डेटा बस, कि वैलिड डाटा जो है हम अवेलेबल है डेटा बस पे, तो आपको बताना है कौन सा, तो यहाँ पे राइट सिग्नल हो जाएगा कि द सी पी यू सेंड्स आउट अ राइट सिग्नल टू इंडिकेट दैट वैलिड डेटा इज अवेलेबल ऑन द डेटा बस, ठीक है। तो सी पी यू क्या करता है, सेंड करता है राइट सिग्नल, सेंड करता है उस पर, कहता है कि ये जो है सिग्नल वैलिड है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं, 6 नंबर में क्या है, द सी पी यू रिमूव्स द सिग्नल टू कम्प्लीट द मेमोरी राइट ऑपरेशन, सी पी यू रीड जो सिग्नल जो है रिमूव करता है राइट ऑपरेशन को लिखने के लिए, ठीक है, सी पी यू रिमूव क्या करेगा, रीड को करेगा तभी तो राइट करेगा, रीड को रिमूव करता है। बी आई यू स्टैंड फॉर बस इंटरफेस यूनिट, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, बस इंटरफेस यूनिट। यू स्टैंड फॉर एग्जीक्यूशन यूनिट। 9 नंबर है, विच आर 4 कैटेगरीज ऑफ रजिस्टर्स, इसमें से 4 कैटेगरी रजिस्टर, जनरल पर्पस, पॉइंटर इंडेक्स, सिगमेंट, अदर रजिस्टर्स, ऑल ऑफ दिस, इसलिए इसका अंदर ऑल ऑफ दिस चारों ही रजिस्टर्स के टाइप हैं, ठीक है, और अगर प्राइमरी रजिस्टर टाइप पूछे तो जनरल पर्पस और इंडिकेटेड टाइप रजिस्टर, दो टाइप के होते हैं सिर्फ, ठीक है। 8 ऑफ द रजिस्टर्स आर नोन एज जनरल पर्पस, जनरल पर्पस जी पी आर एस जो रजिस्टर होते हैं 8 होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना आपको 8 होते हैं जनरल रजिस्टर, तो ध्यान रखना, फ्लैग्स 5 होते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना इस तरह से आपको याद रखना, फ्लैग्स पूछे तो 5 और रजिस्टर जनरल पर्पस पूछे तो कितने हो जाएंगे,
एट, ठीक है। चलिए अगले पेज की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे द फोर इंडेक्स रजिस्टर कैन बी यूज फॉर, ठीक है, फोर इंडेक्स रजिस्टर्स कैन बी यूज फॉर। फोर इंडेक्स रजिस्टर जो है अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए? अरिथमेटिक, ठीक है। अरिथमेटिक यानी प्लस माइनस डिवाइड एड इन टू, अरिथमेटिक फोर इंडेक्स, इसलिए फोर इंडेक्स को कहा जाता है, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टू नंबर में आई पी स्टैंड फॉर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, ठीक है, तो आई पी स्टैंड फॉर क्या करता है? इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, इसलिए इसका आंसर जाएगा ए, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। थ्री में सी एस स्टैंड फॉर कोड सेगमेंट, आंसर हो गया इसका ए, ठीक है, थ्री का ए। डी एस स्टैंड फॉर डेटा सेगमेंट, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा क्या? ए, ठीक है। सब ध्यान रखेंगे आप, कभी कभार पूछ लेता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मैं बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट को पूरी तरह से करवाना चाहता हूँ आपको, ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे न छूट पाए, ठीक है। खासकर एन टी आर का जो एग्जाम आ रहा है, उससे एक भी क्वेश्चन आपके मिस ना हो जाए, ठीक है। विच आर द, क्योंकि इसका सिलेबस पूरे के पूरे प्री डिफाइंड है, विच आर द सेगमेंट, सेगमेंट कौन से हैं? सी एस कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, सारे के सारे सेगमेंट ही हैं, तो ध्यान रखेंगे ऑल ऑफ दिस। चलिए सिक्स नंबर देखते हैं। एक्यूलेटर इज अ 16 बिट वाइड एंड इज कॉल्ड, एक्यूलेटर जो है एक्यूलेटर 16 बिट वाइड होता है और इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? आपको ध्यान रखना क्या कहते हैं इसको, तो सिंपल सी बात है, इसको कहेंगे ए एक्स, ठीक है, क्या कहेंगे? ए एक्स, हेक्साडेसिमल में ए एक्स, ठीक है, एक्यूलेटर 16 बिट वाइड, तो इसको एक्स कहेंगे। चलिए 16 का, 6 का ए हो गया। सेवन नंबर, हाउ मेनी बिट्स द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर इज वाइड, कितने बिट्स में जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर वाइड होते हैं, ठीक है, हाउ मेनी बिट्स द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर इज वाइड, तो आपको बताना इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कितने वाइड होते हैं। तो अभी मैंने आपको तुरंत बताया इंस्ट्रक्शन पॉइंटर 16 बिट का, ठीक है, तो 16 बिट का जो है वो वाइड होता है, 16 बिट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग इन मेमोरी, कितने टाइप के एड्रेसिंग मेमोरी में होते हैं? लॉजिकल और फिजिकल, दोनों ही टाइप के होते हैं, ठीक है। लॉजिकल कौन समझता है? लॉजिकल जो है सेकेंडरी मेमोरी समझता है, और फिजिकल मेन मेमोरी समझता है, ठीक है। और जब प्रोसेसर बात कर रहा होता है, प्रोसेसर कैसे बात करता है? जब मेन मेमोरी से बात करता है, क्योंकि प्रोसेसर जो है लॉजिकल एड्रेस ही जनरेट करता है और सेकेंडरी मेमोरी समझता है। फिजिकल से बात करने के लिए ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ती है, और मैंने ये बात को मैंने आपको बड़ी गहराई से बताया हुआ था किस लेक्चर में, ऑपरेटिंग सिस्टम में जब पढ़ा रहा था उसमें मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा सी, बहुत है, एंड बी, 8 का सी। अगले क्वेश्चन के ऊपर, साइज ऑफ इच सेगमेंट इन 8086 इज 64 KB, ठीक है। 8086 में जो है प्रत्येक सेगमेंट का साइज जो होता है 64 KB का होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर में, द एड्रेस ऑफ मेमोरी इज 20 बिट एड्रेस फॉर द 8086 माइक्रो प्रोसेसर, कहता है एड्रेस जो आप मेमोरी इज 20 बिट एड्रेस फॉर द 86 माइक्रो प्रोसेसर, वो बताना है। तो फिजिकल एड्रेस में जो है, फिजिकल एड्रेस ऑफ मेमोरी इज 20 बिट एड्रेस, 20 एड्रेस, 20 बिट का एड्रेस का होता है फिजिकल एड्रेस, ठीक है, 8086 माइक्रो प्रोसेसर में। चलिए ये हो गया 40 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन, इसमें देखते हैं ई ए स्टैंड फॉर, इसमें कुछ फुल फॉर्म वगैरह हैं, ठीक है, तो कुछ कुछ पूछ लिया जाता है, सब फुल फॉर्म तो नहीं कहूँगा मैं पूछता है, ठीक है, कुछ कुछ एक आध जो है कभी कभार पूछ लेते हैं, ठीक है। ई ए स्टैंड फॉर इफेक्टिव एड्रेस, ये का फुल फॉर्म होता है इफेक्टिव एड्रेस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बी पी स्टैंड फॉर बेस पॉइंटर, ठीक है, बिट पॉइंटर नहीं, बेस पॉइंटर, बेस पॉइंटर होता है बी पी का। चलिए डी आई स्टैंड फॉर, डी आई स्टैंड फॉर देखते हैं डेस्टिनेशन इंडेक्स, ठीक है, डी आई स्टैंड फॉर डेस्टिनेशन, इसी तरह एस आई होता है तो सोर्स इंडेक्स हो जाता है, इसी तरह एस आई होगा तो सोर्स इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन वही है, एस आई स्टैंड फॉर सोर्स इंडेक्स हो जाएगा बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं एल ई स्टैंड फॉर, एल ई स्टैंड फॉर जो होता है क्या होता है कि एड्रेस लैच इनेबल, ठीक है, एल ई मतलब एड्रेस लैच इनेबल, क्योंकि यहाँ लैच का यूज होता है माइक्रोप्रोसेसर में, तो एल ई स्टैंड फॉर लैच होता है, ठीक है, लैच फ्लिप फ्लॉप ये सब शायद आप जानते होंगे, लैच फ्लिप फ्लॉप इंडेक्सिंग, तो एड्रेस लैच इनेबल, ए हो गया 5 का ए। अगले क्वेश्चन के ऊपर एन एम आई स्टैंड फॉर, एन एम आई का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, तो इसका जगह नॉन मास्केबल इंटरप्ट, ठीक है, नॉन मास्केबल इंटरप्ट, 6 का ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 7 में, इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट एट इट इट कंटेन्स द एक्चुअल असेंबली लैंग्वेज, इसमें से कौन सा ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है जो कि एक्चुअल असेंबली लैंग्वेज कंटेन करता है, इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द माइक्रोप्रोसेसर, ठीक है, एक्चुअल असेंबली कोड लैंग्वेज वही रखता है, इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट बाय द माइक्रोप्रोसेसर, दैट इज कोड सेगमेंट, ठीक है। इसका आंसर जगह कोड सेगमेंट, कोड सेगमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कोड सेगमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, इट कंटेन्स द एक्चुअल असेंबली लैंग्वेज, जो कि एक्चुअल असेंबली लैंग्वेज रखता है, इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। उसके बाद द ऑफसेट ऑफ अ पर्टिकुलर सेगमेंट वेरीज फ्रॉम, ऑफसेट जो है पर्टिकुलर किसी सेगमेंट का वेरीज करता है लो टू हाई, ठीक है, लो टू हाई वेरीज करता है, सबसे हेक्साडेसिमल भी करेगा, सबसे हेक्साडेसिमल का छोटा पॉइंट क्या होगा, 0 0 0, एज है हेक्साडेसिमल 4 डिजिट की होती है, और सबसे बड़ा क्या होगा, एफ एफ एफ, ठीक है, इस सब दर्शाते हैं 15 को, तो एफ 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 4 F और लास्ट में एच, तो मतलब बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, लो टू हाई करता है, तो हेक्साडेसिमल लो टू हाई। चलिए 8 का बी।
9 नंबर में द पिन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 8086 इज अवेलेबल इन द पिन कॉन्फ़िगरेशन 8086 पे 40 पिन के होते हैं और 8085 पे भी 40 पिन का होता है, ठीक है। दोनों बात ध्यान रखेंगे कि अगर पिन पूछ लेता है तो 40 पिन्स। DIP स्टैंड फॉर, DIP का फुल फॉर्म आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन आपको देखना है ड्यूअल इनलाइन पैकेज, ठीक है। ड्यूअल इनलाइन पैकेज बी हो जाएगा इसका, इसका ड्यूअल इनलाइन पैकेज, DIP स्टैंड फॉर ड्यूअल इनलाइन पैकेज, ठीक है। ये थे आपके 50 क्वेश्चंस, इनको आप ध्यान से देखेंगे। कुछ कुछ इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं भी थे, लेकिन क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, ठीक है। तो मैं इस बार जो चाह रहा हूँ आपसे कि खासकर NTR वालों से, क्योंकि उसका सिलेबस लिमिटेड है, तो उसको मैं पूरी तरह से माइक्रो प्रोसेसर, चाहे किसी भी कंप्यूटर साइंस के एग्जामिनेशन हो, हर एक कंप्यूटर साइंस में अगर आप इस सारे माइक्रो प्रोसेसर क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको माइक्रो प्रोसेसर क्वेश्चन छूटेंगे भी नहीं और आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। जो चीज़ों को छोटे से बड़े चीज़ों को मैंने बताया, ठीक है। तो चलिए, ये 5 सेक्शंस मैंने किए हैं, आज 50 क्वेश्चन हुए। फिर अगले लेक्चर में जो 5 लाऊंगा इसी तरह से कर करके, कम से कम आपके 1-2 दिन में पूरा का पूरा माइक्रो प्रोसेसर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। और चलिए, दीजिए मुझे दीजिए इजाज़त, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट जरूर करें और लाइक करें, शेयर करें।